आज की चर्चा का विषय रहेगा हलिंग किसे कहते हैं और हलिंग परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि हलिंग क्या है। हलिंग रिमूवल ऑफ द हल और आउटर कवरिंग पार्ट फ्रॉम द पैडी। इट मींस धान से चावल को निकालने की प्रक्रिया को हलिंग कहते हैं। ये हल या हस्क होता क्या है? ये लीमा और पेलिया होते हैं। जब आप फ्लावर की स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि लीमा और पेलिया जो एंथर और स्टिग्मा को कवर करके रखते हैं, जो इसके प्रोटेक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के, इस पिक्चर में आप देखेंगे लीमा और पेलिया। इसमें इस पिक्चर दिखाई दे रहा है कि ये लीमा है और ये पेलिया है और ये धान है जो इसको कवर करके रखे हुए हैं। तो राइस जिससे यानी चावल जिससे कवर होता है उसको हम लीमा और पेलिया कहते हैं और इनको दोनों को मिला करके हल होता है यानी हस्क। और इस हस्क को रिमूव करना यानी धान से चावल निकालने की प्रक्रिया को हम हलिंग कहते हैं। अब हलिंग परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हलिंग परसेंटेज 70 से 75 के बीच में राइस के केस में होती है, लेकिन डिपेंड करती है ये वैरायटी पर, क्योंकि जो ओल्ड वैरायटी है उनमें हलिंग परसेंट कम होता है और जो न्यू वैरायटी अब आ रही हैं उनमें हलिंग परसेंट ज़्यादा होता है। तो हलिंग परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला है, हलिंग परसेंटेज बराबर वेट ऑफ राइस ग्रेन अपॉन वेट ऑफ पैडी ग्रेन इंटू 100। इट मीन्स यदि हमारे पास 100 किलो धान है और 100 किलो धान में से कितने चावल निकले, सपोज 100 किलो धान में से 70 किलो चावल निकले, तो 70 किलो चावल 70 ऊपर लिखेंगे और नीचे कितने में से निकले यानी 100 केजी धान में से, तो 100 केजी धान में से 70 किलो चावल निकले तो 70 किलो ऊपर लिखेंगे और 100 केजी नीचे लिखेंगे और यहाँ पर 100 की गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हम हलिंग परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर वेट ऑफ राइस ग्रेन की जगह पर कह सकते हैं हल्ड राइस और नीचे कह सकते हैं वेट ऑफ अनहल्ड राइस, ये भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हलिंग परसेंटेज राइस में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट द हलिंग परसेंटेज इफ अनहल्ड राइस इज 700 केजी एंड हल्ड राइस 500 केजी। यानी हमारे पास 700 केजी धान था और उसमें से 500 केजी हमारा चावल निकला, तो हलिंग परसेंटेज क्या है इसकी? तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन हेयर यानी क्या क्या दिया हुआ है, पैडी हमारे पास धान कितना है 700 केजी और राइस यानी उस धान में से चावल कितना निकला 500 केजी। अब इसको फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व करते हैं। हलिंग परसेंटेज बराबर यानी वेट ऑफ राइस ग्रेन ऊपर आएगा और वेट ऑफ पैडी ग्रेन नीचे आएगा। तो राइस कितना है यहाँ पर 500 केजी और बटे अनहल्ड राइस यानी पैडी, वेट ऑफ पैडी, पैडी कितना है यहाँ पर 700 केजी। तो 500 बटे 700 इंटू 100, तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 71.42 परसेंटेज हलिंग, इसमें हलिंग परसेंटेज इसकी आ जाएगी। तो यदि हमारे पास धान है और उससे हमने राइस निकलवाया, तो राइस और धान के हम इस फॉर्मूले की सहायता से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे धान का कितने परसेंट हलिंग परसेंटेज है। इस फॉर्मूले की सहायता से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रिय व्यूअर्स, इसी प्रकार की जानकारी के लिए देखते रहिए एग्री कोचिंग इंडिया।